हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी एंड में तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अपने जो ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट आप सदर बाज़ार में कहाँ से खरीदें, कहाँ से परचेज करें। फ्रेंड्स, तो मैं आज की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आप जैसे कि जानते हैं कि मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाती, जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो भी सच्ची और 100% अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में एंड तक दूंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पूरा। क्योंकि क्या होते हैं कि लोग है ना, थोड़े से देखते हैं और स्किप कर देते हैं तो और हटा देते हैं वीडियो को कि चलो कोई नहीं ऐसे ही होगा। पर जब आप एंड तक जानेंगे, समझेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो में क्या है और आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, क्या नई नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने जैसे नई शॉप खोल रहे हैं आप, तो आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ से ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट लें, ठीक है। तो मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शॉप खोली थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं आपको ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है और कहाँ से खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या करा, सदर बाज़ार में गई मैं और मैंने जो भी पटरी पर सामान जो बेचते हैं तो वहाँ से मैंने सामान ले लिया, ठीक है। सामान लाने के बाद में मुझे नहीं पता था कि वो लोकल है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम, हमें नहीं कुछ पता, हम बुद्धू होते हैं। बुद्धू क्या मतलब, मैं ही थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैं गई सदर बाज़ार में, मैंने सामान खरीद लिया जो पटरी पे बेचते हैं वहाँ से किया, खरीदा मतलब। तो उसके बाद मैं अपने शॉप पर लेके आई तो मैंने एक दो कस्टमर को दिया तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोकल प्रोडक्ट है, ऐसा मुझे बोला, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तो फिर मैंने चेक किया तो सच में वो जैसे क्रीम होती है हमारी फेयर लवली की, उस तरह की क्रीम नहीं थी वो। तो उसमें फोम वगैरह कुछ मिला होता है, फोम जैसे कि फोम जैसी क्रीम होती है वो फेयर लवली की, तो ऐसा था। और वो जो क्रीम जैसी होती है वो नहीं थी। जैसे हमने पॉन्ड्स की डिब्बी ली, पॉन्ड्स तो मॉइस्चराइजर क्रीम होता है, पॉन्ड्स उसकी हम क्रीम वहाँ से लेके आते हैं अगर परचेस करते हैं पट्टियों से, तो वहाँ से हम क्रीम लें और उसको हम खोल के ढक्कन देखते हैं तो उसमें वो क्रीम नहीं होती, मॉइस्चराइज ऑयल क्रीम नहीं होती, वो फोम टाइप की होगी। जैसे आप जैसे कि कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि हम कोई क्रीम लगा रहे हैं, चंदन वगैरह फेस, मतलब अजीब सा होता है। फ्रेंड, बता नहीं सकती, आप खुद आप चेक कर सकते हैं सदर बाज़ार में जा करके और पटरी से सामान लेकर के चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या अंतर है ओरिजिनल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने नई शॉप खोली थी, नई शॉप खोल रहे हैं उनके बारे में बहुत स्पेशल मतलब अच्छी वीडियो आई है, उनके बारे में नई नॉलेज के लिए वीडियो है, ठीक है ना, जरूर वो एंड तक जरूर देखेगा। तो फ्रेंड, उस तरह का मतलब सामान रखते हैं अपने शॉप मतलब पटरी पे और वो वहाँ पे आप ले लेते हैं जाकर के, तो आप फंस जाते हैं और वो आपको इतना बोलेंगे कि ले लो सामान, बहुत अच्छा है, ओरिजिनल है, बहुत मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ भर देंगे और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, लेना है चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत ऐसा सच्चाई की तरह से बताते हैं कि आपको सच लगेगा कि भाई हाँ भाई ये सच में ओरिजिनल प्रोडक्ट ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेना है वहाँ पटरी से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कहाँ से मैं सामान परचेज करती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरी कॉलोनी में ये सामान मिल जाता है और अगर आपके आसपास में जैसे ये सामान नहीं मिलते, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं मिलते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सदर जा सकते हैं। सदर से आप जो मटका गली होती है, मटका गली में आप मतलब सारे ओरिजिनल सामान मिलते हैं, तो मटके गली में जाइए आप, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आप पहली बार जाएंगे सदर बाज़ार तो वहाँ पे किसी से पूछेंगे मटका गली कहाँ है तो वो आपको बता देगा। मटका गली में सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया आपका और परफ्यूम हो गया, जैसे मतलब सारे और भी आइटम्स जितने होते हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिलते हैं, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल आप प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। और जैसे कि आप जा रहे हैं किसी भी शॉप वालों से, मैं पूछेगा कि आपको मटका गली जाना है, आप मटका गली में मतलब बता दीजिए हमें मटका गली कहाँ पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे मत पूछिएगा शॉप से, क्योंकि शॉप वाले जो होते हैं ना वो नहीं बताते, अक्सर करके आपको उल्टा पुलटा घुमा देंगे, आपको नहीं बताएंगे, पूछेंगे आपको क्या सामान लेना है हमसे ले लीजिए, ठीक है, ऐसे बनाते हैं बेवकूफ। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी उनसे मत पूछिएगा, शॉप जो भी शॉप वहाँ पे शॉप वाले होंगे उनसे मत पूछिएगा। आप किसी जैसे चलते फिरते आदमी हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपको मटका गली जाना है, हमको मटका गली जाना है और हमको वहाँ पे बता दीजिए कहाँ पे पड़ता है, तो वो आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। और जैसे कि वहाँ पे सामान वामान उठाते हैं, सामान ढोने वाले होते हैं, सामान उठाने वाले होते हैं, रोटी कुटरी वाले होते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि मटका गली कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो उन लोगों से पूछिएगा आप, कभी भी शॉप वाले से मत पूछिए क्योंकि वो आपको घुमाते रहेंगे और उसको सही बताएंगे नहीं और आप घूमते रहेंगे जैसे मैं घूमती थी पहले, ठीक है। मतलब मेरे को जो चक्कर उन लोगों ने बहुत लगाए थे, इस वजह से मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट की क्या पहचान होती है मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप एक क्रीम लेते हैं, क्रीम पे आप देखेंगे नीचे के साइड में कहीं भी छोटा सा साइड होगा वहाँ पे ना आपको यू बना नज़र आता है, जैसे कि यू ठीक है बना होता है, उसका मतलब होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना। वो असली प्रोडक्ट होता है, उसकी वही स्टैम्प आपको ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट की मतलब बताता है कि ये ओरिजिनल है ये लोकल है। हिंदुस्तान लीवर से ही आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर देखेगा, मोहर ज़रूर देखेगा, जो चिन्ह होता है वो ज़रूर देखिए आप हिंदुस्तान लीवर का, तभी पहचान सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं कुछ भी लेते हैं तो वहाँ पे है ना हिंदुस्तान लीवर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चाहे आप शॉप से ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं तो हिंदुस्तान लीवर देख करके ही आप प्रोडक्ट खरीदिए, इससे आपको पता भी चल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि मटका गली में चाहिए ज़रूर, मटका गली में आपको सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जो नए शॉप होते हैं, शॉप खोलते हैं, न्यू शुरुआत कर रहे होते हैं शॉप की, उनको बिल्कुल नहीं पता कि हम एलिटी लिपस्टिक कहाँ से खरीदते हैं, ब्लू हेवन का सामान कहाँ से खरीदते हैं, लैक्मे का सामान कहाँ से खरीदते हैं, जो ओरिजिनल होता है। आपको पटरी पे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लगाते हुए कि लैक्मे का सामान सब कुछ, पर वो ओरिजिनल नहीं होता फ्रेंड्स, वो लोकल होते हैं, डुप्लीकेट होता है, उनसे मत परचेज़ करिएगा। अगर हाँ आपको परचेज करना है, अगर लोकल वगैरह बेचना है, सामान लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, फाउंडेशन वगैरह। तो अब मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि वो कहाँ से खरीद सकते हैं आपको ये फ्रेंड्स। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आप मटके गली पे जा सकते हैं, हिंदुस्तान लीवर देख करके आप अपना प्रोडक्ट खरीद दीजिए। कुछ भी आपको क्रीम खरीदनी है, फेस क्रीम खरीदनी है, या ऑयल खरीदना है, या परफ्यूम खरीदना है, तो आप इन सब चीज़ों को हिंदुस्तान लीवर देख करके और किसी अच्छे शॉप से मटके गली से खरीदिए, ठीक है। पटरी से मत खरीदिए, तो पटरी पर बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना देते हैं, क्योंकि आप उनकी बहुत सारे ऐसा कन्फ्यूज़ कर देते हैं, आप खरीद लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको देखना है, ये सब सोच समझ के लेना है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्योंकि जो नए दुकानदार होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, और जो जिसने जो शॉप खोल रखी है, जैसे जो गांव के लोग होते हैं वो लोग आते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि ये सामान कहाँ से खरीदना चाहिए। तो गांव के जो लोग होते हैं वो सदर बाज़ार में जाते हैं, और सदर बाज़ार में उनको पता नहीं रहता कि हम कहाँ से ये सामान खरीदें। तो फ्रेंड्स ज़रूर मटके गले से सामान लीजिए, खरीदिए, वहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिलता भी है आपको मटके गले में, और अच्छे दामे में। जैसे उसका जैसे आप मैं बताना चाहती हूँ कि एक क्रीम होती है, क्रीम पे है ना आपको कितना मार्जिन मिलता है, तो फ्रेंड्स फेयर लवली की क्रीम पे हमको 6-7 रुपये मिलते हैं। जैसे कि आपको 67 की क्रीम है एक, ठीक है, तो आपको वो 60 रुपये में वहाँ पे से मिलेगी, क्योंकि जो पटरी वाले सामान बेचते हैं वो एक दर्जन में आपको एक दर्जन 150 रुपये का दे देंगे फेयर लवली, ठीक है। और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है जो आप शॉप से खरीदते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा उसमें सिर्फ आपको एक पीस पेपर पीस पे मतलब 7-8 रुपये ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना, बस इतने ही रुपये मिलते हैं, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, कम मार्जिन होता है, ठीक है। तो ये कम मार्जिन हो पर ओरिजिनल होता है सामान, तो लोग कस्टमर आते हैं और लेते हैं, उसके थ्रू आप बहुत सारा सामान भी रख सकते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह, इससे आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहती थी मैं यही कि आप ओरिजिनल लोकल प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, जो गली से खरीदेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।